ठीक है दोस्तों, तो ठीक उसी तरीके से मैंने ये ट्रांसमीटर भी बना लिया है। मैंने जैसे पहले आईसी बेस सोल्ड किया था, तो इसकी पिन नंबर 1 से लेके 9 तक मैंने सब आपस में जो है वो शॉर्ट कर दी है। और ये हमारी ग्राउंड है, और ये जो है हमारी पिन नंबर 10, 11, 12, 13, 14 को भी मैंने क्या किया है, ग्राउंड किया है। उसके बाद में 15 और 16 पर मैंने 1 मेगा ओम का एक रेसिस्टर जो है वो लगाया है। स्कीमेटिक में सब कुछ दिया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। ये वाला पिन जो है वो डेटा के लिए है, और पिन नंबर 18 जो है इसकी, ये जो है वो VCC है, यानी कि पॉजिटिव वोल्टेज। तो ये जो हमारा ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर का जो ये है VCC, इस VCC को भी मैंने यहाँ पर IC से जोड़ दिया, और यहाँ पर हम देंगे पॉजिटिव 5 वोल्टेज या फिर 3.7 वोल्टेज। ये वाला पिन हमारे डेटा के लिए हो गया, और ये वाला ग्राउंड हो गया। तो मॉड्यूल को भी ग्राउंड वोल्टेज चला गया, IC को भी ग्राउंड वोल्टेज चला गया। ठीक, यहाँ पर ये जो पिन है, पिन नंबर 10, 11, 12 और 13, ठीक है, तो 10, 11, 12, 13 जो है ये हमारा इनपुट है। यहाँ पर हम इनपुट देंगे, तब हमारा रिसीवर पर आउटपुट मिलेगा। तो इनको मैंने पुलअप किया है। पुलअप कैसे किया है, मैंने 10 किलो ओम के जो है वो रेसिस्टर ले लिए हैं, और हर एक पिन से एक 10 किलो ओम का रेसिस्टर लगाया है, और रेसिस्टर्स की दूसरी पिन्स को आपस में सबको शॉर्ट करके ग्राउंड कर दिया है। सिंपल, बहुत सिंपल सर्किट है। तो अब मैं इसको देखो वोल्टेज देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास में एक लिथियम आयन बैटरी, इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव। तो ये येलो वाला वायर जो है ये पॉजिटिव है, तो येलो वाले वायर को पॉजिटिव को मैं पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देता हूँ ट्रांसमीटर के। ये जोड़ दिया। नेगेटिव वायर जो है मैं नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देता हूँ। ये नेगेटिव है हमारा, मैंने नेगेटिव से जोड़ दिया। ठीक, ओके, ठीक। इस तरीके से जो रिसीवर पहले हम बना चुके हैं, इस रिसीवर में भी हमें वोल्टेज देना है। तो मैं एक काम करता हूँ, रिसीवर पर भी दूसरी एक बैटरी मैंने ली है, ये दूसरी बैटरी ली है मैंने, दूसरी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो मैं इसके पॉजिटिव से जोड़ता हूँ। तो ये पॉजिटिव था हमारा, ठीक है, तो मैं पॉजिटिव से जोड़ देता हूँ। ओके, और नेगेटिव, देखिए वोल्टेज का ध्यान दीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव अगर ये उल्टे लग गए तो आपका मॉड्यूल ख़राब हो जाएगा, IC भी ख़राब हो जाएगी। नेगेटिव वाला मैं नेगेटिव से लगा देता हूँ। लगा दिया मैंने, दोनों को जोड़ दिया। अभी देखिए कोई LED जो है वो ग्लो नहीं कर रही है, ये मैं ऐसे रख देता हूँ जिससे कि आपको दिखाई दे बिल्कुल अलग। ठीक, अब ये वाला ट्रांसमीटर, इस ट्रांसमीटर पर हमें कुछ वायर जोड़ने, पहले हम टेस्टिंग के लिए क्या करते हैं, एक वायर जोड़ लेते हैं, सिंगल एक वायर जोड़ लेते हैं सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग के लिए। ठीक है, तो मैंने क्या करता हूँ, एक वायर ले लिया मैंने, ठीक है। इस वायर को मैं क्या करता हूँ, पॉजिटिव वाले टर्मिनल पर लगा देता हूँ। अब देखिए, अब इस वायर, पॉजिटिव वाले वायर को एक एक करके टच करके देखिए। जब आप पिन नंबर 10 से टच करेंगे, देखिए एक LED जली, दूसरी से दूसरी, तीसरी से तीसरी, चौथी से चौथी, देखिए कोई वायर नहीं है, देख रहे हैं आप, ट्रांसमिटर रिसीवर पर देख रहे हैं आप, सिर्फ एक बैटरी लगी है और कुछ नहीं है। जैसे ही मैं वायर टच करता हूँ यहाँ पर, तो एक LED इंडिकेशन है। तो ये यही हमारा वाटर लेवल इंडिकेटर की तरह काम करेगा। ये वाला जो वायर है, पॉजिटिव वाला वायर, ये मैं टैंक में सबसे नीचे डाल दूँगा, और फिर जिस लेवल पर मुझे जो लेवल चेक करना है वाटर का, वो पर्टिकुलर एक एक वायर उस ऊंचाई पर मैं लगाता चला जाऊँगा। तो जब पानी का लेवल जो यहाँ तक आएगा, एक LED जलेगी और ऊपर तक आएगा, तो दूसरी भी जलेगी, फिर तीसरी भी जलेगी, और ये लास्ट ओवरफ्लो पर लगा दीजिए आप, तो ओवरफ्लो। तो इस तरीके से आपका एक वाटर लेवल इंडिकेटर बन गया। ठीक है, इसको मैं पेन से ऐसे कर देता हूँ जिससे कि LEDs आपको अच्छे से दिखाई दें। ये देखिए, 1, 2, 3, 4, ये वाटर लेवल इंडिकेटर की तरह भी काम करेगा। देखिए कॉमन सर्किट बन गया है, वाटर लेवल इंडिकेटर की तरह भी काम करेगा। आप इसको बच्चों के खिलौनों में भी लगा सकते हैं, यानी कि एक कार में लगा सकते हैं, जिससे कि आप फॉरवर्ड रिवर्स, यानी कि किसी भी वायरलेसली किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आप इसको क्या करते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक, देखते हैं आप
तो मुझे सिंपल क्या करना है, मैं क्या करता हूँ अभी देखिए समझाने के लिए, ये वाला एक वायर था, एक वायर और ले लेता हूँ, इस वायर को मैं सोल्ड कर दूंगा अपनी इस वाली पिन पर, पिन नंबर 10 पर, पिन नंबर 10 पर मैंने इसको सोल्ड कर दिया। ठीक, इस तरीके से एक और पिन, एक और वायर ले लेता हूँ। अभी ये जो चार वायर है आपके, पिन नंबर 10, पिन नंबर 11, 12 और 13, सभी पर आप एक एक वायर जो है वो जोड़ दीजिए जो आपको टैंक के अंदर लगाना है। स्केमेटिक में आप देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, यहाँ तो मैं आपको वायरिंग वगैरह दिखा रहा हूँ, तो जब इसका डॉक्यूमेंट आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पूरा पता चल जाएगा कि किस तरीके से टैंक के अंदर वायरिंग करनी है आपको। तो मैं तीन ही लगा देता हूँ अभी फिलहाल, ठीक है। तो ये देखिए तीन वायर मैंने लगा दी है, तो तीन वायर अलग से आ गए हैं जो आपको पानी पे अलग अलग लगाने हैं, जैसे इस तरीके से फॉर एग्जांपल, ठीक है। जैसे जैसे मैं ये पॉजिटिव वाला वायर टच करूँगा एक एक पिन पर, ये देखिए देखिए ये बीच वाली एलईडी है, तो इसको मैं नीचे कर देता हूँ, सबसे नीचे वाली देखते हैं कौन सी एलईडी, ये है सबसे नीचे वाली एलईडी है, तो इसको हम लो मान लेते हैं, वाटर लेवल लो, तो ये ऐसे लगाएंगे, ये देखिए, ये कौन सी थी बीच वाली, तो ये ऐसे इधर मीडियम पे आ गया, मान के चलिए ये लो, ये मीडियम, और ये वाला हम इसे हाई मान लेते हैं, ये देखिए सबसे ऊपर वाली जल्दी तो हाई मान लेते हैं, तो इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये तो हो गया आपका, ये तो हो गया आपका पॉजिटिव, फिर ये लो, फिर ये मीडियम, फिर ये हाई। अब देखिए इनको अगर हम वाटर के अंदर, पानी के अंदर जो है इसको अगर हम डालें, ठीक है, तो पानी के अंदर जब हम डालेंगे तो ये वाला देखिए, जब पानी का लेवल यहाँ तक आएगा तो ये इससे टच हो जाएगा, तो एक एलईडी जलेगा, ठीक है। मैं देखिए एक मिनट मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको पानी से ही जो है उसको दिखाता हूँ, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं देखिए पानी की बॉटल, पानी लेकर आया हूँ ग्लास में, जैसे जैसे मैं पानी को, मैं इस वायर को देखो, एक एलईडी जली और डुबाऊँगा, दूसरी, तीसरी, इनकी ठीक इस तरीके से मान के चलो वायर लगा दी, जैसे जैसे पानी कम होगा ये एलईडी बुझती चली जाएगी, ये देखिए इस तरीके से। देखिए वायरलेस आपने एक वाटर लेवल इंडिकेटर बना लिया, तो मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है वायरलेस वाटर लेवल इंडिकेटर, आप लगा कर अपने आस पड़ोस में बता सकते हैं कि देखिए किस तरीके से मैंने वाटर लेवल इंडिकेटर बनाया, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, जिससे कि आपको आगे भी मेरी नई वीडियोस जो है वो मिलती रहेंगी। कमेंट्स करते रहिए कि इसको और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, या आप कमेंट्स करके ये बताइए कि और इसमें क्या, जैसे कि इसमें अलार्म भी लग सकता है, ओवरफ्लो पर अलार्म लग सकता है, जब लास्ट में आए तो अलार्म लग जाए, या इस तरीके से भी बन सकता है कि जैसे ही कम पानी जो है वो फुल हो टैंक में ऑटोमेटिकली मोटर बंद कर दे, तो इस तरीके से भी हो सकता है सब। आपके सजेशंस जो है वो बहुत ज़रूरी हैं, पर तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।